So let's see illustration number 17. I have three partners in the question. Ashok is to Bhim, is to Chetan. Our three partners, their profit sharing ratio is 3:2:1. Then they decided the ratio should be equal. तो कहीं पे गुडविल है, बिल्कुल है. जब ही गुडविल होती है हम लोग क्या डिसाइड करते हैं, सेक्रीफाइसिंग और गेन कैलकुलेट करना हमारी प्रायोरिटी बन जाता है. एज अ गुडविल इज देयर, तो गुडविल को मेरे को गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में डिवाइड करना होता है. आई एम गोइंग टू कैलकुलेट अशोक सेक्रीफाइस, अशोक सेक्रीफाइस इज इक्वल टू, बोलो रेशियो, 3/6 - 1/3. So 6 LCM, 3 - 2 is equal to 1/6. He is sacrificing. अगले दोनों को gain होगा, तो हो सकता है कि किसी एक को sacrifice हो और दूसरे को gain हो. Let's see. Bhim's sacrifice 2/6 - 1/3 nil. ठीक है जी, न्यूट्रल पोजिशन पे रहा, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस चेतन को gain होने वाला है, क्योंकि जितना sacrifice अशोक को हुआ है उसके बिल्कुल इक्विवेलेंट चेतन को क्या होगा, गेन होगा. Who will tell me the entry for goodwill adjustment with amount? बुक में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी बिकॉज एंट्रीज नहीं करी. गुडविल की वैल्यू देखो और मेरे को गुडविल की एंट्री बोलो. एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री, Who will speak? Yes, लक्षित बोलो. किसकी कैपिटल? अशोक कैपिटल डेबिटेड सेक्रीफाइसिंग डेबिट होता है कि गेनिंग डेबिट होता है एंट्री में? कितनी अमाउंट? हाँ, डेबिट किसको करना है, अशोक को कि चेतन को? गलत, चेतन को डेबिट करना. Whosoever is gaining, that partner is to be debited. And you know, when capital account we will prepare, it will be like a contra entry, दोनों साइड पे आएगी. चेतन के डेबिट साइड पे आएगी और अशोक के क्रेडिट साइड पे आएगी. ठीक है, आई एम रिपीटिंग द एंट्री. और अभी तो एंड हो गया चैप्टर का, याद रखो गेनिंग इज ऑलवेज टू बी डेबिटेड. गेनिंग विल कॉम्पनसेट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. सो चेतन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू अशोक कैपिटल 3 lakh 1/6, इट विल कम टू अस 50,000, राइट? एंट्री सी इज नॉट आस्किंग, दैट इज फॉर योर नॉलेज. So that you can come to know how we will post these entries into their capital account. Is there anything divisible in the balance sheet? बिल्कुल ठीक है, जनरल रिजर्व डिवाइड करने को है. एंट्री क्या बनेगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू अशोक, टू भीम, टू चेतन. इक्वली डिवाइड कर दूं? इक्वल, हु सेड यस? व्हाई इक्वली? इट्स इन द ओल्ड, इक्वल रेशियो इज न्यू. न्यू वी नेवर यूज, न्यू ओनली वी विल यूज टू सेक्रीफाइस एंड गेन. ओके, एनीथिंग एसेट साइड विच इज डिविजिबल? नो. चलिए जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना शुरू करते हैं. लेट्स प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, देन वी विल प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग का क्या हुआ, बड़ी के कम हुई? लैंड 160 की कर देनी है. लैंड ऑलरेडी कितने की थी? 1 lakh की. तो बाय लैंड 60,000. एंट्री क्या बनी? If somebody asks from you journal entry, to kya entry bani? Land account debited to revaluation. Good. Building is to be depreciated by 6%. 6,000 se building is to be depreciated. Two building 6,000. Revaluation to building will be the journal entry. Good. Aage chalte hain. Creditors of 12,000 were not likely to be claimed and hence be written off. 3 din se Rasika se main yahi pooch rahi hu na. जब क्रेडिटर्स नहीं पे करने होते तो हम क्या करते हैं? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, सो इट विल बी बाय क्रेडिटर्स, राइट? क्रेडिटर्स में से 12,000 कम कर देना, सो इट इज 72,000. 66,000 इज प्रॉफिट. किन में डिवाइड करना है? टू अशोक कैपिटल ओल्ड रेशियो. 66,000 का हाफ 33,000, 1/3 22,000 एंड 11,000. एनी डाउट टू एनीवन? तीनों में डिवाइड कर दिया मैंने, राइट? 33,000, 22,000 and 11,000. Match from your book. Yes, whatever division we made, that is same. बनाए अब कैपिटल अकाउंट्स. सबसे पहला पॉइंट कैपिटल अकाउंट्स में क्या होता है? सबसे वेरी गुड, बाय बैलेंस ब्रॉड.
ठीक है, और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और जनरल रिजर्व और गुडविल के एडजस्टमेंट के, ठीक है, तीन या चार ट्रांजैक्शंस करने के बाद वी विल बी इन अ पोजीशन टू बैलेंस इट एंड वी विल बी फाइंडिंग द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट्स फ्रॉम द बिगिनिंग. दैट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर वन पार्टनरशिप फंडामेंटल्स. वी लर्न दैट एवरी टाइम वी प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स इन अ कंबाइंड फॉर्म, तीनों के कैपिटल अकाउंट्स इकट्ठे बनेंगे भाई. सो लेट्स मेक द हेडिंग हियर कैपिटल अकाउंट्स. आई नीड टू इरेज इट ऑल्सो, आई नीड अ स्पेस ओवर हियर. हाँ, दिस इज कैपिटल अकाउंट्स. अशोक भीम एंड चेतन, अशोक भीम एंड चेतन, दिस इज अशोक भीम एंड चेतन, दिस इज अशोक भीम एंड चेतन. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तीनों का ओपनिंग बैलेंस देखिए, बैलेंस शीट में दे रखा है, दैट इज 2,01,50,000. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख है ना, 1,50,000. बाय रिवैल्यूएशन, पहले बैलेंस शीट वाला कर लो, बाय जनरल रिजर्व कर लो, ठीक है. जनरल रिजर्व कितना कितना डिवाइड होना है भाई, हाउ मच, 30-20-10 ही है, चेक कर लो. हाँ इतना ही है. बाय जनरल रिजर्व 30,000, 20,000 and 10,000. बाय रिवैल्यूएशन 33, 22 and 11. अब मेरे को कौन बताएगा, समय का आपने बतानी है एंट्री गुडविल की एडजस्टमेंट की क्या करी थी, पहले ये बताओ. गुडविल जो 3 लाख थी 1/6 में डिवाइड करी थी 50,000 से, एंट्री क्या करी है, मेरे को नाम बोलना क्योंकि नाम से पोस्टिंग करनी. अच्छा, सैक्रिफाइसिंग डेबिट करना, फिर से अभी भी नहीं दिमाग में बैठा. हाँ, हु वाज गेनिंग, कहाँ पे क्या लिखूं, इधर क्या लिखूं, इधर क्या लिखूं, इधर क्या लिखूं और कौन से अमाउंट, कौन से कॉलम में अमाउंट डालूं, इधर क्या लिखूं और कौन से कॉलम में अमाउंट डालूं. पोस्टिंग आई वॉन्ट टू नो, कॉन्ट्रा बननी है, ये मैंने बता दिया, दोनों साइड पे आनी है. अच्छा, एंट्री बनी चेतन अकाउंट डेबिटेड टू अशोक, तो इस तरफ आना पहले टू अशोक, खुद सोचो, चेतन अकाउंट डेबिटेड टू अशोक, तो चेतन में डेबिट होगा बिकॉज चेतन इज गेनिंग, क्यों, तो इसकी कैपिटल कम करनी है, लॉजिक के साथ है, किसी भी पार्टनर की कैपिटल कम करनी है तो वो डेबिट में आएगा. यहाँ पे टू चेतन लिख दोगे और अमाउंट अशोक में लिख दोगे, गलत. आप उधर क्या लिखेंगे, दूसरे का नाम बाय चेतन, और अमाउंट कौन से कॉलम में लिखेंगे, अशोक के कॉलम में, बिकॉज चेतन इफ ही इज गिविंग द अमाउंट तो अशोक इज रिसीविंग ना, दैट्स व्हाई इट इज बीइंग कॉल्ड. अदरवाइज कॉन्ट्रा एंट्रीज वैसे तो कैश बुक ही होती हैं, लेकिन क्योंकि दोनों साइड पे आ रहा है, मैं याद करने के लिए आपको बोलती हूँ कि आपके दिमाग में रहे. सो दिस इज द वे हाउ द एंट्रीज टू बी पोस्टेड. एनीथिंग इज बीइंग लेफ्ट, कुछ रह गया, नो, बैलेंस इट. हाँ, 280, 313, टोटल चेक करो. यस, 142, टोटल चेक करो, 60, 71. चलो जी, बैलेंसिंग फिगर निकालें, टू बैलेंस कैरी डाउन, इसका 313 ही है. जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो अशोक की कैपिटल 313 आएगी. व्हाट अबाउट द सेकंड पार्टनर, 142 ही रहेगा, उधर 50 माइनस कर दो 21. So these are the closing balances. You have to write with it BF, that is balancing figure, we calculate it. So these are the closing balances which I will be writing in my closing balance sheet, which I will be preparing after reconstitution. So whatever assets comes down, I will be reducing that asset. Whatever asset is being increased, I will be increasing that asset. If the creditor comes down, I will be decreasing the creditors, and the new balances of the capital I will be writing. Will I write general reserve on the liability side of the balance sheet? No, because that has been divided. Will I write revaluation account anywhere in the balance sheet? No, because that is my separate ledger account and that is of nominal nature. Nominal nature item kabhi balance sheet mein aati nahi hai. Balance sheet mein ya to asset aate hain ya liabilities aate hain. Am I clear to you? So it will be very easy for us to prepare the balance sheet. Let's see, is it matching or not?
बनाना शुरू करो बैलेंस शीट। डेट भी लिखता है शायद बैलेंस शीट कब बननी है, जिस दिन रेशियो चेंज हुई। हाँ, रेशियो कब चेंज हुई? 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को बैलेंस शीट बननी है। बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म एज एट। बेटा एक वर्ड होता है एज एट, एक वर्ड एज एट, एक वर्ड होता है एज ऑन। मैं एज ऑन क्यों नहीं लिखती, मैं एज एट ही क्यों लिखती हूँ? दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है। बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म एज एट, हमारा नया कंपनी से 2013 में अमेंडमेंट हुई थी। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को हमने फॉलो करना शुरू किया, तो हम लोगों ने बोला कि जैसे इंटरनेशनल कंपनीज एज एट लिखती हैं, हम भी अपनी बैलेंस शीट में एज एट लिखा करेंगे। उससे पहले एज ऑन भी चलता था। व्हाई एज एट? नो, बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म as at 1st April, जो भी डेट दे रखी। At is signifying the date as well as time. On is signifying only date. जब मैंने वर्ड at लगाया तो 5:30 बजे अगर मेरी कंपनी बंद होती है तो उसका मतलब है शाम को 5:30 बजे जो मेरी assets और liability का status था वो मेरी balance sheet में। Means वहां पे time को भी consider किया जाता है। At what time you prepared it and that was the end of the day when I just शट डाउन माई कंपनी, जब मैंने अपनी कंपनी को बंद किया 5:30 बजे तक की इवनिंग टाइम हो रहता है, ठीक है। उस टाइम इस पर्टिकुलर दिन 1 अप्रैल को 5:30 बजे मेरी एसेट्स और लाइबिलिटीज का क्या स्टेटस था? दैट्स व्हाई वी ऑलवेज राइट वर्ड एट नॉट ऑन, ठीक है। तो ये हमारे क्लासेस में आपके काम आएगा, वी ऑलवेज रेफर एट नॉट ऑन। बैलेंस शीट का सीक्वेंस पुरानी बैलेंस शीट में से ही हम डिसाइड किया करते हैं। जो सीक्वेंस उसने पुरानी बैलेंस शीट में दे रखा है उसी सीक्वेंस को आई विल फॉलो, एंड जो वैल्यूज चेंज हो रही है मैं उन्हें चेंज करूंगी, जो नहीं चेंज हो रही मैं उन्हें एज इट इज लिखूंगी, राइट। सो दिस लेफ्ट हैंड साइड वी ऑलवेज कॉल लाइबिलिटीज, राइट हैंड साइड वी ऑलवेज कॉल एसेट्स। डन। चलिए जी, सबसे पहले उसने गिवन बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स लिखे और आपको पता है क्रेडिटर्स 12,000 से कम हो चुके हैं। So now I will not be writing creditors 1,00,000, मैं उसमें से 12,000 माइनस करके 88,000 लिखूंगी। लिख दूं फिर नए creditors, revised value of my creditors 88,000 because it comes down with rupees 12,000। नहीं, मैंने बोला जो उसने सीक्वेंस दिया मैं वही फॉलो करूंगी। पहले उसने creditors लिखे तो मैं भी creditors ही लिखूंगी। कैपिटल ही रोट एट द एंड, सो आई विल बी राइटिंग लाइक दैट वे, ठीक है जी। अच्छा, आपने बोला सोल्यूशन में है ना, सोल्यूशन में उसने कैपिटल पहले लिखी ना। मैं पुरानी बैलेंस शीट देखती हूँ जो कोई नहीं, इट इज नॉट फर्म की बैलेंस शीट में कोई रूल ही नहीं है, जो मर्जी सीक्वेंस फॉलो करो। मैं थर्ड बुक जब करवाऊंगी, कंपनीज की बैलेंस शीट में रूल है कि सबसे पहले ये नंबर लिखना उसके बाद ये नंबर लिखना, वहां पे सीक्वेंस है, यहाँ पे कुछ नहीं है। सो व्हाई ही हैज गिवन मी द बैलेंस शीट लाइक दैट वे? अगर रूल होता तो वो भी बैलेंस शीट में पहले कैपिटल देता, वो रैंडमली इंटरचेंज कर लेता, इसमें कोई नंबर नहीं कटेंगे भाई, ठीक है। एनी वे यू कैन राइट, सो क्रेडिटर्स आर 88,000। मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ ताकि सीक्वेंस आपके माइंड में रहे और आपको ये आइटम छोड़ना दो बैलेंस शीट में। सो व्हाटएवर ही इज गिविंग आई विल जस्ट बी कॉपिंग फ्रॉम देयर और आई विल बी चेंजिंग द वैल्यूज व्हाटसोएवर इज बीइंग चेंज्ड, राइट। सो बीपी नो चेंज एट ऑल, बीपी आई विल राइट एज इट इज 40,000। बीपी के बाद अगली लाइबिलिटी है जनरल रिजर्व, आई विल नॉट राइट बिकॉज आई जस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड इट। नाउ आई विल बी मेकिंग द हेडिंग कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। उसमें सबसे पहले अशोक था, अशोक की कैपिटल 313 हो गई थी, फिर भीम है, भीम की 142 है, ठीक है जी, और चेतन की 21 है। यू विल फाइंड जो टोटल बैलेंस शीट में है वही इस साइड का होगा, ठीक है। 128 में 21 ऐड किया, 149, दिस इज 5, दिस इज 5, दिस इज 4, 14, 10, 6,04,000 टोटल है, yes matching, 6,04,000 on the liability side. Now come to the asset, whatever asset he is giving, again I will not be breaking that chain,
जो एसिड का सीक्वेंस उसने दे रखा है मैं उसी में चेंजेस करके लिखूंगी। जब मैं लैंड की बात करती हूँ तो लैंड हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 60,000, सो उसने लैंड 1,00,000 की दे रखी है, मैं लैंड 160 की लिखूंगी। उसके बाद अगली आइटम उसने मेरे को दे रखी है बैलेंस शीट में बिल्डिंग, और बिल्डिंग के ऊपर 6% डेप्रिसिएशन था 94,000, 1,00,000 से कम होगी 94,000 की रहेगी बिल्डिंग, ठीक है। सारी एडजस्टमेंट माइंड में रखोगे तभी आपकी बैलेंस शीट मैच होगी। प्लांट में नो चेंज एट ऑल, 2,00,000 प्लांट आई विल बी राइटिंग एज इट इज 2,00,000। देन स्टॉक अनचेंज्ड 80,000, दैट इज 60,000, नाम आप खुद लिख लेना 80,000 60,000। व्हाट इज माय लास्ट आइटम, बैंक में कोई चेंज है? हैड इट बीन द क्वेश्चन ऑफ एडमिशन तो क्या बैंक में कोई चेंज होता? हैड इट बीन द क्वेश्चन ऑफ एडमिशन तो बैंक में कुछ चेंज होता? यस, वो अपनी कैपिटल कैश में लेके आता और अपना गुडविल का शेयर भी तो कैश में लेके आता, तो हम ऐड करते करवाया हुआ एडमिशन में भी बैलेंस शीट की प्रिपरेशन। सो सच टाइप ऑफ प्रैक्टिस शुड बी देयर, इंस्टेंटली आंसर करती है ना वो। सो योर प्रैक्टिस शुड बी ऑफ दिस लेवल, दिस इज बैंक, हाउ मच बैंक वी वर हैविंग 10,000, यू विल फाइंड बोथ द साइड्स विल मैच बिकॉज नथिंग वी मिस्ड, इट विल ऑल्सो बी हैविंग द सेम टोटल दैट इज 6,04,000, राइट। एनी डाउट टू एनीवन? सो दिस वॉज आर लास्ट टॉपिक, वेरी इजी, क्योंकि सारे टॉपिक्स तो हम लोगों ने किए हुए हैं, उन्हीं को मर्ज करके उसने बैलेंस शीट की प्रिपरेशन हम लोगों से पूछ ली। और कैपिटल अकाउंट को हम पहले दिन से बनाना कर रहे हैं जब हम लोगों ने पार्टनरशिप फंडामेंटल्स किया था एनपीओ के बाद, राइट। 18th इलस्ट्रेशन करनी शुरू करो, स्टार्ट प्रिपेयरिंग। ओके, पहले तो एडजस्टमेंट एंड सारा पढ़ना पड़ेगा, क्या पूछा क्या। लेट्स रीड द स्टेटमेंट, फिर देखते हैं आप क्या कर सकते हो इसमें से। 18th डिफरेंट है, अमर तरुण एंड अखिल आर पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2। उस दिन इनकी बैलेंस शीट ऐसी थी, अब उन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 कर दी। जैसे ही मैंने बैलेंस शीट को देखा सबसे पहले मेरे माइंड में बात आई, एक मैं जनरल रिजर्व राइट ऑफ करूंगी, एक मैं पीएनएल का लाइबिलिटी साइड पे जो बैलेंस अपेयर कर रहा है वो राइट ऑफ करूंगी। जो पीएनएल की लाइबिलिटी साइड में अपेयर करता है इज इट प्रॉफिट और लॉस? जो पी एंड एल बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे अपीयर करता है इज इट प्रॉफिट और लॉस? ये लॉस है, लाइबिलिटी साइड पे है तो लॉस है, गलत है। लाइबिलिटी साइड पे है तो प्रॉफिट है, एसेट साइड पे है तो लॉस। लाइबिलिटीज ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस, तो पी एंड एल के क्रेडिट बैलेंस का मतलब प्रॉफिट है। एसेट्स ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, पी एंड एल अगर एसेट साइड पे अपीयर कर रहा है तो लॉस है। व्हाई डू वी शो इट इन द बैलेंस शीट? व्हाई डू वी शो इट इन द बैलेंस शीट? पी एंड एल क्यों बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट में तो एसेट्स लाइबिलिटीज आती हैं भाई, ध्यान से सुनना। ये वो प्रॉफिट है व्हिच हैज नॉट येट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, जो पार्टनर्स में अभी बांटा नहीं गया, तभी हम अब बांटते हैं ना। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स आर ऑलवेज बीइंग शोन इन द बैलेंस शीट, हैड दे बीन डिवाइडेड इट अमंग द पार्टनर्स तो वो कैपिटल अकाउंट में ऑलरेडी क्रेडिट हो चुके होते। अगर पी एंड एल का बैलेंस बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा है रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे या एडमिशन के टाइम पे, इट मींस इट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेबल। अब हमें उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये कुछ वायवा के क्वेश्चन हैं जो आपको याद रखने हैं। व्हाई वी शो इट, समटाइम्स वी शो इट इन द बैलेंस शीट एंड समटाइम्स वी नेवर शो इट। तो उस साल क्या प्रॉफिट नहीं हुआ था? हुआ था उस साल भी, लेकिन बंट चुका हुआ है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मतलब ही क्या? इट शोज द बैलेंसेस ना, बैलेंसेस एट द एंड ऑफ द ईयर। तो अगर पी एंड एल शो हो रहा है इट मींस कि पी एंड एल का बैलेंस पड़ा है अब। अगर नहीं हो रहा शो तो ये नहीं मतलब कि प्रॉफिट नहीं हुआ फर्म को, प्रॉफिट हुआ होगा, पार्टनर्स में बांट दिया गया। Getting me? So hereby it is undistributed profit which is appearing in the balance sheet. मैं दोनों को write off करूंगी। उसके बाद सारी बातें revaluation की छोड़ के हम नीचे आते हैं। Partners decided to carry the assets and liabilities at their existing value. What does this line signify? पहले यहीं पे रुकते हैं। Partner ऊपर सारी revaluation की बातें करी। कहता partners ने decide किया कि उन्होंने अपनी assets और liabilities को book value पे show करना। तो net effect वाला question नहीं बन गया? तभी मैं रुक गई थी ना कि एंट्री सीधी नहीं कर रही, एक ही एंट्री पूछी है नेट इफेक्ट की। नेट इफेक्ट कैसे कैलकुलेट किया करते हैं? नेट इफेक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? देख लो लेंथी क्वेश्चन में भी नेट इफेक्ट आया है। नेट इफेक्ट का मतलब क्या? नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन, कुछ चीजें प्लस कुछ चीजें माइनस। इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटीज टू बी प्लस, डिक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटीज टू बी डिडक्टेड। प्लस माइनस करने के बाद जो नेट इफेक्ट आएगा उस पे गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग अप्लाई करना और एक एंट्री पास कर देना, जैसे गुडविल की किया करते हैं। गुडविल के लिए भी सैक्रिफाइसिंग चाहिए। यस, दे आल्सो डिसाइडेड कि जनरल रिजर्व और पीएनएल भी मैंने सेम वैल्यूज पे रखना है, उसका नेट इफेक्ट कैसे करें? उन दोनों को भी एड कर लो
और गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में डिवाइड कर दो तो कुल मिला के तीन एंट्रीज बन रही हैं. वन इज ऑफ गुडविल, अनदर इज नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन, एंड देन वी हैव द जनरल रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉस. हैज ही पास? ओके, उसने तीनों को कंबाइन कर दिया. मैं तीनों की एडजस्टमेंट करवाती हूँ, तीनों कंबाइन करके करेंगे. लेट्स सी, एक एंट्री पूछी है तीनों एडजस्टमेंट्स की. लेट्स सी, पहले गुडविल का हिसाब किताब बना के रखते हैं. यहाँ पे मैं पूरे बोर्ड को तीन कॉलम्स में बांटूंगी, लेकिन पहले सेक्रीफाइसिंग और गेन आपने निकाल के मेरे को बताना. तीनों एडजस्टमेंट्स मैं करवाऊंगी और फिर उसने कंबाइन कैसे किया, आई विल टेल यू. गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालना शुरू करो जल्दी से. यू विल टेल मी द गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग, आई विल कैलकुलेट द अमाउंट. स्टूडेंट सिटिंग ऑनलाइन, दे विल ऑल्सो सॉल्व दिस गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग. मेरे को एक तरफ गुडविल बनाना है, मेरे को एक तरफ नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन निकालना है, मेरे को एक तरफ इफेक्ट ऑफ जनरल रिजर्व एंड पी एंड एल निकालना. बताइए जी गेन सेक्रीफाइस. गुडविल के अमाउंट क्वेश्चन में 1,00,000 है, कर लेंगे इसको गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में डिवाइड. चलो मेरे को एसेट्स और लाइबिलिटीज का बताओ. स्टॉक 2,20,000 को हो गया, ऑलरेडी स्टॉक 2,00,000 का था, 20,000 से बढ़ गया. एड इंक्रीज इन स्टॉक इज टू बी एडेड. याद है कॉन्सेप्ट के नहीं? एसेट का बढ़ना और लाइबिलिटीज का कम होना हमेशा फायदा है. फायदे को मैं प्लस के साइन से लिखती थी, वही किया मैंने. प्रोविजन इज टू बी रिड्यूस. हाँ, इसका क्या करूं? कोई प्रोविजन कम हो गया, ऑलरेडी प्रोविजन 10,000 है, कहता है 2,000 से कम कर दो, मीन्स प्रोविजन अब 8,000 होगा, तो एसेट की वैल्यू बढ़ेगी ना. डिक्रीज इन प्रोविजन इज अगेन आर बेनिफिट, मीन्स अब चांसेस कम है कि मेरे बैड डेट होंगे. बैड डेट को मीट करने के लिए तो प्रोविजन बनता है. सो 2,000 हमारा एसेट डेटर बढ़ेगा ना. कहीं पे आपने 10,000 माइनस करना था और अब आप प्रोविजन 8,000 माइनस करोगे, योर डेटर विल गेट इन्फ्लेटेड. इज इट क्लियर? तो ये भी प्लस ही होगा, दैट इज डिक्रीज इन प्रोविजन 2,000. कम टू नेक्स्ट, फर्नीचर रिड्यूस करना है 20% से, 50,000 का 20% 10,000, लेस डिक्रीज इन फर्नीचर 10,000, दैट इज अ लॉस फॉर अस. कंप्यूटर्स इज टू बी रिड्यूस टू 270, कंप्यूटर्स 3,00,000 के हैं तो डिक्रीज इन कंप्यूटर्स 30,000 हमारा लॉस है, नेगेटिव के साथ जाएगा ये भी. गुडविल ऑफ द फर्म तो बाद में करना है, सो इट कम्स टू मी 22,000, इट कम्स टू मी 40. हाँ जी, प्रॉफिट हुआ के लॉस कितना? 18,000 नेगेटिव आया ना, 18,000 नेगेटिव. याद रखना इसका नेट इफेक्ट क्या है, 18,000 नेगेटिव. गुडविल 1,00,000 है, 18,000 बीच में से माइनस होगा क्योंकि मैंने कंबाइन एंट्री करनी है. और जनरल रिजर्व और पी एंड एल का बैलेंस बताओ, 110. अब जरा नेट इफेक्ट देखना, ये 1,00,000 पॉजिटिव, ये 1,10,000 पॉजिटिव, टोटल बना 210. 210 में से 18 माइनस करो कितना बनेगा, 192. ठीक है जी, ये नेट इफेक्ट आया तीनों का. समझ आ गई बात? दो चीजें पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ना, लॉस का मतलब नेगेटिव है, तो माइनस कर देंगे दोनों के ग्रैंड टोटल से. तीनों का कंबाइन इफेक्ट देखा अब मैंने. व्हाट इज द गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग? 1/10 होगा शायद, 1/10 है ना, तभी आंसर आना है 1/10. तो इसका 1/10 निकाला, 19,200 से तभी तो एंट्री करी एक. कितना आसान है तरीका. कहीं पे मैंने रिवैल्यूएशन की दो अलग, रिवैल्यूएशन की ये वाली दो अलग, चार एंट्रीज ये होनी थी, गुडविल की पांचवी एंट्री होनी थी और जनरल रिजर्व की अलग करती या पी एंड एल के साथ मैच करके करती तो 6 एंट्रीज होनी थी. 6 एंट्रीज की जगह वी आर जस्ट पासिंग 1 एंट्री बिकॉज ही हिमसेल्फ सेड वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी चेंज्ड एंड जनरल रिजर्व एंड पी एंड एल इज ऑल्सो टू बी शोन एट द सेम वैल्यू. मीन्स नई बैलेंस शीट जब आप बनाओगे तो जनरल रिजर्व शो करोगे, बोलो अब, बिकॉज जनरल रिजर्व आपने डेबिट नहीं किया कहीं एंट्री में, पी एंड एल भी शो करोगे, एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू एज इट इज रखोगे, मैं वेरीफाई भी करवाऊंगी. ठीक है, हु इज गेनिंग हियर? वरुण. वरुण, तरुण. तरुण इज गेनिंग, तो तरुण कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू अमर्स कैपिटल अकाउंट. बात क्लियर है? सो दिस एंट्री ही कैन आस्क इवन इन एमसीक्यू, हु इज टू बी डेबिटेड, वो ऑप्शन देगा, अमर इज डेबिटेड विद 20,000,
अमर तरुण इज क्रेडिटेड विद 20,000 रॉन्ग वो ऑप्शन देगा फिर ये वाली तरुण इज बीइंग डेबिटेड विद 18,200 अमर इज क्रेडिटेड विद 18,200 फिर से गलत फिर वो ये वाली ऑप्शन देगा जिसके ऊपर आप टिक लगाओगे और उसके लिए सारी कहानी आपको करनी पड़ेगी बेटे 40 क्वेश्चन अगर 90 मिनट में बोल रहा है कैलकुलेशन बेस्ड होंगे ही होंगे एंड यू नीड टू थिंक एट दैट टाइम की कौन सी ऑप्शन ठीक है और उसके लिए आपको रिटर्न में करना ही पड़ेगा दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस लेंथी क्वेश्चन अदरवाइज देयर इज नो फन जब आना ही एमसीक्यू व्हाई आई एम डिस्कसिंग द लेंथी क्वेश्चंस ही विल बी पुटिंग द क्वेश्चन एज इट इज और आपसे कैलकुलेशन पूछेगा और राइट ऑप्शन पे आपको टिक लगानी होगी नाउ द टर्न इज टू सी द बैलेंस शीट देखो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व एज इट इज है ओके कैन एनीवन टेल मी ओरली कैपिटल अकाउंट किस किस का चेंज हुआ यस अमर और तरुण का कैपिटल चेंज हुआ तरुण के कैपिटल में से 19,200 माइनस करके लिख देना और अमर के कैपिटल में से 19,200 ऐड करके लिख देना मेरा जो थर्ड पार्टनर है उसकी कैपिटल एज इट इज रहेगी एंड ही इज अखिल देखो अखिल 120 ही रहा अखिल की कैपिटल 120 की 120 रही क्योंकि इसकी कैपिटल में कोई चेंज ही नहीं आया वी नीदर प्रिपेयर्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट वी नीदर एडेड एनीथिंग फॉर जनरल रिजर्व एंड P&L टू देयर कैपिटल अकाउंट सो देयर कैपिटल अकाउंट्स ओनली गेट्स चेंज्ड ड्यू टू दिस एडजस्टमेंट एंट्री वन पार्टनर इज डेबिटेड देयर इन एंड अनदर पार्टनर इज क्रेडिटेड देयर इन राइट सो कैपिटल्स आर सेम सनी क्रेडिटर्स आर सेम चेक करते जाओ पिछली बैलेंस शीट के साथ सनी क्रेडिटर्स 160 के 160 सैलरीज 30,000 की एज इट इज जनरल रिजर्व एज इट इज P&L एज इट इज और उस तरफ सारे एसेट एज इट इज डेटर्स में से भी 10,000 ही माइनस किया 8 नहीं क्यों क्योंकि मैंने एंट्री करी ही नहीं प्रोविजन अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन मैंने तो प्लस माइनस से सारी गेम चलाई है ठीक है सो ही टॉट यू दैट व्हेन दे डिसाइड नॉट टू चेंज द वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज व्हेन दे डिसाइड टू शो द जनरल रिजर्व एंड P&L एट द सेम वैल्यू देन द बैलेंस शीट आइटम नेवर गेट्स चेंज ओनली टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स ओनली चेंज एंड दैट वी वंस is being added with 19,200 and another is being deducted with 19,200 rest all the things are same and again the aur balance sheet it is obvious ek mein agar wahi amount plus hui hai dusre mein se minus hui hai match to honi hai and total will also be same purana total hi hoga 9 lakh total hoga yes 9 lakh hi any doubt to anyone agla fatafat discuss karte hain journal entry sir parth raman and jesha are partners in a firm manufacturing furniture पुरानी रेशियो आपके सामने है नई रेशियो भी दे दी बैलेंस शीट में P&L का 4,000 प्रॉफिट है डेबिट साइड पे क्या एंट्री करोगे बैलेंस शीट में P&L का डेबिट बैलेंस है और कौन सी साइड पे होगा पहले ये बताओ अभी डिस्कस किया बैलेंस शीट यस एसेट साइड पे होगा राइट ऑफ करने की एंट्री आप ही बोलो फटाफट गुड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू P&L अकाउंट 4,000 ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे क्या था जनरल रिजर्व भी है बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व डेबिट कर देंगे पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे फिर से ओल्ड रेशियो में यहां तक हमें सब कुछ आता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 12,000 है आई ऑलवेज सर्च फॉर द क्लेम सो क्लेम इज मोर चलो प्रभु आप बोलो बिल्कुल ठीक है जी WCR इज टू बी डेबिटेड विद 12,000 रिवैल्यूएशन इज टू बी डेबिटेड विद 8,000 एंड टू क्लेम विद रुपीज 20,000 कुछ बचा ही नहीं पार्टनर्स को थोड़ा देना है हमें तो अपने पल्ले से डालना पड़ा है अपनी ओर से डालना पड़ रहा है 8,000 इज इट क्लियर ठीक है जो 8,000 लॉस है वो हम रिवैल्यूएशन में डेबिट कर दिया करते हैं गुडविल का क्या करें अभिषेक हाउ टू डील विद गुडविल एंट्री क्या करते हैं हाँ सोच लो कोई बात नहीं गुड गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इज टू बी क्रेडिटेड फॉर दैट यू नीड टू कैलकुलेट गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग और गुडविल की आप एंट्री कर लोगे बीइंग एन एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल राइट ओके स्टॉक की बुक वैल्यू कहता 40,000 है इसके ऊपर 8% डेप्रिसिएशन लगा देना चलो लक्षित हाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक विद 3,200 डन 40,000 का 8% डन क्रेडिटर्स 900 के थे जो अब क्लेम नहीं करेंगे इसलिए रिटर्न बैक कर दो क्रेडिटर्स टू रिवैल्यूएशन बहुत बार ये पॉइंट आया इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 38,000 है अब वैल्यू 40 हुई 2,000 से बड़ी है और IFR है नहीं IFR होता भी तो भी मैं यूज नहीं करती क्योंकि वैल्यू बड़ी है 38,000 की इन्वेस्टमेंट बढ़ के कितने की हो गई 40,000 की सो इट विल बी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट विद 2,000 एनी डाउट टू एनीवन इन रफ वर्क यू विल बी प्रिपेयरिंग योर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड यू विल बी कैलकुलेटिंग इट्स प्रॉफिट एंड लॉस एम आई राइट So he prepared revaluation account and the loss is coming. हाँ जी बोलो सर जी सबसे लास्ट में
टू पार्टनर्स आर गेनिंग एंड वन इज सैक्रिफाइसिंग. लास्ट एंट्री देखो, ही शुड नॉट पास दिस एंट्री एट द लास्ट, ही शुड पास आफ्टर जनरल रिजर्व एंड पी एन एल. है ना, गुडविल की पहले करनी चाहिए थी. या सारी रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता पर उसने रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट लॉस तक सारा कुछ किया और गुडविल बाद में कर दिया. एनी सीक्वेंस यू कैन ऑल्सो फॉलो. मैं हमेशा ये सुजेस्ट करती हूँ कि बैलेंस शीट के आइटम को पहले डील करो. जो बैलेंस शीट में डिस्ट्रीब्यूट करने को है वो पहले डील करो. रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर डिपेंड अपॉन यू हाउ यू फॉलो द सीक्वेंस. बट यू डोंट अफोर्ड टू मिस एनी टाइप ऑफ एंट्री, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट योर reconstitution of firm, whereby we learned when the partners they decide to change their profit sharing ratio. From Monday onward we have to do ratio analysis. For that you have to buy your book number 3, right? Any doubt to anyone you may ask.